मतलब विश्वास नहीं होता कि खा खा के कैसे वेट कम करेंगे। इतनी केयर तो कभी नहीं की मैंने अपनी, इतना वीआईपी, मोस्ट वीआईपी कभी नहीं समझा फैमिली में अपने आप को। ऐसे लगता था कि फैमिली पहले है मैं बाद में, पर अब लगता है कि नहीं, मैं पहले रहूंगी तो फैमिली तो बाद में रहेगी ना मेरे पीछे फिर, और मैं फैमिली की केयर ज्यादा कर पाऊंगी जब खुद की केयर करूंगी। तो बहुत अच्छा लगा। और केले नहीं खाती थी डर के मारे, चीकू नहीं खाती थी, मैंगो नहीं खाती थी। इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ खाने को आपने दिया, सा ग्रीन टी टाइम टू टाइम लेना, और अभी तो जब ट्रिपल एक्सल से डबल एक्सल आया है अभी, बहुत अच्छा। मेरा बैक पेन चला गया है और गैस तो पता ही नहीं चली मेरी, जो हर 2 दिन में एक टेबलेट लेती थी गैस की, गैस एसिडिटी बहुत होती थी, उसका तो पता ही नहीं है कि कहाँ चली गई है। और बहुत मतलब डिप्रेशन में मैं रहती थी, पर अब मेरा वेट कम हुआ है और कम करना है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड का भी 4 kg लूज हुआ है, अभी 20 days उन्होंने आपकी डाइट फॉलो की, और मेरी बेटी का 4 kg लूज हुआ, उसने भी 20 days, और डाइट प्लान आपका मील प्लान तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बहुत हंसते थे, बोले पनीर पराठे बन रहे हैं पापा आज तो मेन्यू में पनीर पराठे हैं, कभी बोले ये सब बोले आलू पराठा खा के वेट कम करोगी मम्मी, ऐसा बोलता था। तभी आएगा तो उसको भी बताऊंगी कि देख मेरा वेट कम हुआ आलू का पराठा खा के। और सबसे बड़ी चीज मेरे को इतना अच्छा लगा मेडिटेशन जो आपने कराया था, मेडिटेशन में जो अंतर ध्यान आपने कराया था, और जो उस यात्रा से आप लौट के आए, ईश्वर ने इतना अच्छा माने लोगों को जन कल्याण के लिए आपको सौंपा है, मैं इसकी तुलना किसी से कर नहीं सकता हूँ। और आपने जन कल्याण का जो इतना अच्छा अभियान उठाया है इसकी कोई बात नहीं है, मगर आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमको आपकी जो चेतना आपको आई है उस वास्तव में ये जन कल्याण के हिसाब से है, और हमने बहुत कुछ सीखा है इतने दिनों में आपसे। मैंने तो इतना सब किया है मगर मैंने कहीं ऐसा इस प्रकार से इतना डीपली मैंने अध्ययन नहीं किया था, जाते थे करते थे सालों साल करे मगर वेट कम नहीं हुआ। मगर जो आपने जो अंदर से जो बतलाया कि कब इसको होल्ड करना है, अच्छा उपकार किया हमारे परिवार के लिए, और देश के लिए भी करो और पूरे वर्ल्ड के लिए करो, ये हमारी शुभकामना आपकी। और मैं सबको बोलूंगी मैम कि सबको ये करना चाहिए, आपसे जुड़ना चाहिए, जो भी परेशान है, जो बीमारियों से परेशान है, या बढ़ते वजन को लेके परेशान है, या अंडर वेट है, ओवर वेट है, तो सबको आपसे जुड़ना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैं बताऊंगी और सबको बोलूंगी कि आपसे जुड़े। इस बात से कितने सहमत हो, वुमेन फिट तो इंडिया फिट। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि वुमेन ही जो रोल प्ले करती है हर एक मतलब हर रोल प्ले कर सकती है वुमेन, मदर का हो गया, एक मैनेजर का हो गया, आजकल जॉब में भी वुमेन है, आजकल हम हर फील्ड में वुमेन देखते हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, या फिर आजकल आर्मी में भी हैं, तो वुमेन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो अगर वुमेन फिट रहेगी तो आगे की जनरेशन भी फिट रहेगी, इसी से मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो रहता है वो कम होगा, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कम होगा। अगर वुमेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो आगे की जनरेशन जो रहेगी वो भी फिट रहेगी, और अगर जनरेशन फिट रहेगी तो इंडिया भी आगे आएगा, वर्ल्ड में एक अच्छी पहचान बनेगी इंडिया की, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तब दूसरी चीजों में हम ध्यान दे पाएंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैम ये सिविल सर्विसेज की तैयारी, जी मैम ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, और आपकी ग्रीन टी पीकर इसके एग्जाम्स इतने अच्छे रहे कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी, मैं रात भर पढ़ाई करती थी, बस ग्रीन टी पीती थी, रात भर पढ़ाई करती थी, 2-3 घंटे की नींद लेती थी मैं, उसके बाद भी इतनी एनर्जेटिक रहती थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, तो सिर्फ 2-3 घंटे की मेरी नींद हो पाती थी और दिन भर पढ़ाई रहती थी। मुझे माइग्रेन होता था, माइग्रेन प्रॉब्लम थी मुझे, लेकिन जब से मैंने ये चीज स्टार्ट की, आपका प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेरा एक दिन भी सर नहीं दुखा है। पूरे एग्जाम्स इसके इतने अच्छे रहे, इतनी तेज धूप में मैं एग्जाम देने जाती थी, वापस आती थी, एक दिन भी मेरा सर नहीं दुखा है, मेरे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए, टेंशन और बिल्कुल टेंशन नहीं रहा एग्जाम्स का। आपका जो सेशन रहता था वर्कआउट सेशन बहुत अच्छा रहता था, बहुत पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आपने अभी तक गूगल पे पे किया है, इस बार आप रिसीव करना। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।